देखो बेटे, हम लोगों के जो चैप्टर चल रहा था वो था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एवरेज मेथड बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड आप लोगों को समझाया। अब देखिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और लिखवाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। तो आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। तो देखिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लिंक अप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? तो पहला पॉइंट बेटे, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी होती। मान के चलिए क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का निकालना होता है। तो देखिए बेटे, जब हमने चीज देखी कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग ना दे रखी हो, जब हमें ये बात ना दे रखी हो कि ड्राइंग्स की डेट कब कहां कैसे की गई है, तो जब डेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ्स की कैलकुलेट करते हैं। तो इस बात को मैं नोट में लिखवा रहा हूं, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, it will always be calculated for 6 months only, यानी ऑन एन एवरेज हमेशा आप 6 मंथ्स का ही निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है तो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे क्या कहता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी होती है, मान के चलिए अगर रेट के आगे परसेंटेज नहीं दे रखा होता, तो ऐसे केस के अंदर हम डेट ऑफ ड्राइंग को इग्नोर कर देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे ईयर का निकाल कर आएंगे। तो देखिए बेटे, इस बात को मैं नोट में लिखवा रहा हूं, इफ पर एनम इज नॉट गिवन along with rate of interest on drawing, then date of drawing will be ignored and interest on drawing will be calculated for whole year. Interest on drawing will be calculated for whole year. तो देखिए बेटे, आपके मन में एक विचार जरूर उठ रहा होगा, सर इन दोनों पॉइंट से लिंकअप एक एक एग्जाम्पल करा दीजिए सर, अब हमें ताकि बात समझ में आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, तो अब आप लिखिए फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए बेटे, मान के चलिए आपको लिखा हुआ है, इफ अ पार्टनर विड्रू ₹120,000 from the firm for personal use, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। तो देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या चीज ऑब्जर्व की, अगर एक पार्टनर है, पार्टनर विड्रू ₹120,000 फ्रॉम द फर्म,
आपने बेटे इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया कि आपको क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी है, बस इतना बता रखा है एक पार्टनर ने विड्रॉ किया है 1,20,000 फॉर्म से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 10%। तो यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 10/100, 1,20,000 इंटू 10/100। और मैंने यहां पर 10/100 करने के बाद मैंने आपको जैसे की बात बताई थी ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स का निकाल देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर हमें डेट नहीं दे रखी होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ की निकल जाती है। तो देखिए बेटे यहां पर कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपीज आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगी। तो चलिए बेटे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोल रहा है इफ पर एनम इज नॉट गिवन अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अगर पर एनम नहीं दे रखा होता। तो देखिए बेटे अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ तो हमें डेट ऑफ ड्रॉइंग इग्नोर कर देनी है और हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को होल ईयर का ही कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटे इसमें मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए बेटे किस तरीके से है। अब देखिए बेटे एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले मैं ए एग्जाम्पल लूंगा, ए पॉइंट लूंगा और मैं आपको बता रहा हूं इफ अ पार्टनर विड्रू रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑन 1st of October 2018 from the firm for personal use, और उसके आगे मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम दे रखी है और डेट भी दे रखी है, आपको पर एनम भी दे रखा है, यानी दोनों चीजें हैं आपके पास। तो जब पर एनम दे रखा होता है तो हम नॉर्मल तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। ईयर एंड्स ऑन 31st of March 2019। अब देखिए बेटे यहां पर अगर आपका ईयर है और 31st of March 2019 पर आपका ईयर एंड हो रहा है और आप अगर 1st of October 2018 को अगर 1,20,000 विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है इस 1,20,000 का जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम 6 मंथ्स का निकालेंगे। सर अभी तो आपने ये बात बोली थी कि जब पर एनम ना दे रखा हो तो डेट इग्नोर कर देना, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन यहां बेटे पर एनम आपको दे रखा है तो जब पर एनम दे रखा है तो हम नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू रेट अपॉन 100, और रेट कितनी थी 10%, तो यानी टू 10/100। अब आप देखिए मंथ्स कितने हैं, अगर मैं 1st अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा हूं तो 6 मंथ है तो 6/12 लिख दिया और यहां पर कितना अमाउंट आ जाएगा, यहां बेटे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है सर हमें आपकी बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटे अब अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं चेंज करता हूं और बी पॉइंट में अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं इफ पार्टनर विड्रू रुपीज 1,20,000 इफ पार्टनर विड्रू रुपीज 1,20,000 ऑन 1st of October 2018 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% और आगे पर एनम नहीं लिखा हुआ और लिखा हुआ है ईयर एंड्स ऑन
31st ऑफ मार्च, क्या लिखा है, ईयर एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च 2019। तो देखिए बेटे अब आपको क्या काम करना है, क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं दे रखा, तो नोट लिख रहा हूं, पर एनम इज नॉट गिवन, पर एनम इज नॉट गिवन अलोंग विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पर एनम इज नॉट गिवन अलोंग विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, therefore date will be ignored, आप डेट को इग्नोर कर देंगे, and interest on drawing will be calculated for full year, और आप interest on drawing को पूरे साल भर का, for whole year, पूरे होल ईयर का कैलकुलेट करके आएंगे। तो देखिए बेटे यहां पर हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 120,000 इंटू 10/100, और यहां पर आप मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ये इग्नोर कर देंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, ये कितना हो जाएगा आपका 12,000, और ये 12,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बेटे आज हम लोगों का अब आगे का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हम एवरेज मेथड कर चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर प्रोडक्ट मेथड, हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड। तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट मेथड कब लगता है और क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, तो बेटे आज उसी बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो मैं आपको ये बात बताऊंगा बेटे प्रोडक्ट मेथड, देखिए एवरेज मेथड की तो कंडीशन थी कि जब आपकी ईच एंड एवरी मंथ के अंदर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग सेम हो, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी सेम हो, तो हमारा एवरेज मेथड लगता है, लेकिन जब ईच एंड एवरी मंथ के अंदर डेट भी अलग अलग हो, और या तो डेट अलग हो और या फिर अमाउंट अलग हो, या दोनों ही अलग अलग हो, तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा। यानी एवरेज मेथड तभी लगता है जब डेट और अमाउंट दोनों सेम हो, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिफरेंट होगा, या तो डेट अलग अलग हो जाए अमाउंट सेम होगा, तब भी प्रोडक्ट मेथड लगेगा, और मान के चलिए अगर अमाउंट सेम होता है और डेट भी अलग अलग होती है तब भी आपका प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। सर कैसे, मैंने कहा चलो इसकी कंडीशन लिख देता हूं पहले और फिर उसका एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। प्रोडक्ट मेथड विल बी एप्लीकेबल आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और द डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट सेम इन ईच एंड एवरी मंथ। तो देखिए बेटे इस बात को हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए बेटे यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर दुर्गा प्रसाद इज अ पार्टनर इन अ फर्म। द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी।
अब देखिए बेटे इसमें करना क्या है आगे, तो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है अप्रैल 30, आपको अप्रैल 30 का अमाउंट दे रखा है 16,000 रुपीज, और इसके बाद आपको जून 30 में आपको दे रखा है 12,000 रुपीज, सितंबर 30 का आपको अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपीज, और दिसंबर 31 में हमें अमाउंट दे रखा है 24,000 रुपीज, और जनवरी 31 में हमारे पास अमाउंट है 20,000। लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। अब देखिए बेटे, अब यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जर्व किया हमने कि जब जो भी मंथ में आपकी ड्रॉइंग हो रही है वो एंड पर है, 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, यानी डेट तो आपको यूनिफॉर्म मिल रही है लेकिन अमाउंट आपके अलग अलग हैं। तो देखिए बेटे, जब अमाउंट अलग अलग होंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड से निकालनी पड़ेगी। तो देखिए बेटे, प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब आपके मन में एक विचार उठेगा, सर ये तो बिल्कुल वही सेम है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सीखा था। तो मैंने कहा बेटे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए जब आप फॉर्मेट बनाएंगे, ये वाला डेट अमाउंट मंथ्स एंड प्रोडक्ट, तो यहां पर मंथ्स निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए बेटे किस तरीके से डिफरेंट है, आपकी पहली ड्रॉइंग हुई है अप्रैल 30 के अंदर, तो हमने यहां डेट डाल दिया अप्रैल 30। आपको यहां पर हर डेट से ईयर एंडिंग तक के मंथ्स गिनने, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर हर एक डेट से दूसरी डेट तक मंथ्स गिना करते थे, जैसे अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 30 जून से 30 सितंबर तक। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है बेटे, यहां पर आपको क्या काम करना है, हर डेट से ईयर एंडिंग तक के मंथ्स हमें गिनने होंगे। जैसे देखिए बेटे, ये है 16,000 रुपीज का अमाउंट और डेट है 30 अप्रैल। अगर मैं ये आपका मान के चलिए, ये आपका ईयर है 31st of March 19 दे रखा है, और आपकी 30 अप्रैल आपकी डेट दे रखी है 30 अप्रैल, तो अगर मैं 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के मंथ गिनूं तो अप्रैल गिना नहीं जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी मार्च, ये मार्च हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11 मंथ्स हो जाएंगे 30 अप्रैल से, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 11 मंथ्स। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जून 30। तो अगर आप जून 30 में 12,000 रुपीज आपको दे रखे हैं, तो 30 जून से अगर हम गिनना चालू करेंगे ईयर एंडिंग तक, तो अप्रैल मई जून, तो ये देखिए ये होगा जून, 30 जून। तो अगर मैं 30 जून से गिनना चालू करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है जून को काउंट नहीं करूंगा मैं, तो यहां से गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 मंथ्स हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएंगे 9 मंथ्स। तो ऐसे ही आपको बेटे क्या काम करना है, अब 30 सितंबर से गिनना चालू करना है, 30 सितंबर से गिनेंगे और ये अमाउंट है आपके पास 30 सितंबर का 10,000। अब आप देखिए बेटे, सितंबर के बाद काउंट करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो यहां पर आपके पास टोटल 6 मंथ्स हो गए, तो यहां पर हम लिखेंगे 6 मंथ्स।
इसके बाद बेटे देखिए आ रहा है 31 दिसंबर, तो हम दिसंबर 31 लिखेंगे यहां पर, दिसंबर 31 और दिसंबर 31 में हमारे पास अमाउंट है 24,000 का। तो अब आप 31 दिसंबर से काउंट करना चालू करें तो दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे, जनवरी फरवरी और मार्च यानी 3 मंथ्स काउंट होंगे, तो हम यहां पर 3 मंथ्स लिख देंगे। अब देखिए बेटे, अब लास्ट एंड फाइनल हमारे पास जनवरी 31 दे रखा है, तो हमने यहां पर जनवरी 31 लिखना है और जनवरी 31 के अंदर 20,000 रुपीज का अमाउंट है। तो क्योंकि 31 जनवरी है तो अब आपको फरवरी और मार्च केवल 2 महीने ही काउंट करने होंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 मंथ्स। तो चलिए बेटे अब लेना है हम लोगों को प्रोडक्ट, अब हम करेंगे इन सबका प्रोडक्ट, तो यह आ जाएगा 16,000 × 11, तो यह आ जाएगा 1,76,000 और इसके बाद 1,20,000 × 9, ये अमाउंट आ जाएगा 10,80,000। देखिए बेटे हम करेंगे 16,000 × 11, तो हमारे पास आता है 1,76,000 और अब हम करेंगे 12,000 × 9, तो हमारे पास आएगा 1,08,000, हमारे पास आएगा 1,08,000 और 10,000 × 60 करते हैं तो 60,000 और अब 24,000 × 3 लिखेंगे 72,000 एंड अगेन 20,000 × 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,000। जब हम इन सभी चीजों का टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए बेटे 1,76,000 प्लस 1,08,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000 और प्लस 40,000, तो हमारे पास आ जाएगा 4,56,000। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो गया, 4,56,000। तो अब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है 4,56,000 × रेट यानी 9/100 और × 1/12, तो हमारे पास आ जाएगा 9% निकाला और डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास आ जाएगा 3,420 और ये 3,420 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा। तो ये था बेटे आपके प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटे अब आपके मन में एक विचार जरूर उठेगा कि सर आपने एवरेज मेथड भी करा दिया, आपने हमें प्रोडक्ट मेथड भी करा दिया, तो सर अब एक बात बताइए ये सिंपल मेथड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक मिनट यार गलती हो गई। तो चलिए बेटे अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर आपने एवरेज मेथड भी करा दिया, आपने प्रोडक्ट मेथड भी करा दिया, सर ये सिंपल मेथड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मैंने कहा बेटे अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से। तो देखिए बेटे सिंपल मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। आप बनाएंगे यहां फॉर्मेट डेट अमाउंट मंथ्स और अब की बार मंथ्स के बाद प्रोडक्ट नहीं, कौन सा कॉलम बनेगा, कैलकुलेशन का। सर इस कैलकुलेशन में क्या आएगा, मैंने कहा चलो बेटे देखते हैं। तो सबसे पहली विड्रॉ हुई है अप्रैल 30 के अंदर, अप्रैल 30 में अमाउंट है 16,000 रुपीज का। और देखिए बेटे हमारे अप्रैल 30 से लेकर अगर मैं 31 मार्च 2019 तक का अगर मैं देखूं तो हमारे पास 11 मंथ्स आते हैं। अब बेटे यहां पर आपको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड में तो हम एक ही बार फॉर्मूला लगाते थे लेकिन सिंपल मेथड में आपको फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा, यानी 16,000 × rate/100 × 11/12। ओ तो सर 16,000 को हम 9% निकालेंगे और इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। मैंने कहा हाँ बेटे ये आ जाएगा 1,320। इसी तरीके से नेक्स्ट विड्रॉल आपकी हो रही है 30 जून को, तो जून 30 आप लिखेंगे यहां पे और जून 30 लिख के यह अमाउंट आ जाएगा 12,000 और अब हम जून से 30 जून के बाद से हम गिनना चालू करेंगे। जून के बाद गिने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो बेटे ये होते हैं आपके पास 9 मंथ्स। तो हम 9 मंथ्स के हिसाब से अब आप कैलकुलेशन करेंगे यहां पे और ये आ जाएगा 12,000 × rate/100 × 9/12। तो हम करेंगे यहां पर 12,000 इसका 9%
इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 और ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 810। नेक्स्ट हम करेंगे सितंबर 30 का, तो अब आप देखिए बेटे सितंबर 30 के अंदर, सितंबर 30 के अंदर हमें क्या काम करना होगा, 10,000 रुपीज दे रखे हैं, तो हमें इस 10,000 रुपीज से 30 सितंबर के बाद काउंट करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने हो रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे यहां पर 6 महीने ले लेंगे और यह आ जाएगा 10,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 10,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। तो देख लेते हैं बेटे कितना अमाउंट आ रहा है, 10,000 का 9% इंटू 6/12, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 450। और इसके बाद हमारे पास डेट आ रही है दिसंबर 31 की, और अब हम बात करेंगे दिसंबर 31, और दिसंबर 31 में आपके पास है 24,000, और 24,000 में अब हम गिनेंगे कितने मंथ रह गए दिसंबर के बाद, अगर गिनना चालू करें तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यानी कितने महीने हो गए, 3 महीने। तो अब आप 10 इसके अंदर 24,000 पर 9% की रेट से 3 मंथ्स का निकालेंगे। तो देखिए बेटे 24,000 का 9% इंटू 3/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 540। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनवरी 31, तो देखिए बेटे जनवरी 31 पर हो गया 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपीज का, अब 20,000 रुपीज के अंदर अब आप 31 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च केवल 2 महीने होंगे, तो आप 2 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, 20,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000 का 9% इंटू 2/12, तो हमारे पास आ जाएगा 300। अब जब बेटा आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपके पास डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगी। ये देखिए बेटे मैं जोड़कर बता रहा हूं आपको, 1320 प्लस 810 प्लस 450 प्लस 540 और प्लस 300 हमारे पास आ रहा है 3420। तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगी 3420। अब बेटा आपके मन में एक विचार जरूर उठेगा कि सर एक बात बताइए, अगर हम सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रोडक्ट मेथड से करें तो क्या आंसर सेम आएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटे आंसर दोनों से सेम आता है। तो सर एक बात बताइए सर कौन सा मेथड ऑप्ट करना है, मैंने कहा जो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा वही मेथड ऑप्ट करेंगे, और मान के चलिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम प्रोडक्ट मेथड ही लगाएंगे। तो ये था बेटा आपका सिंपल मेथड, तो उम्मीद करता हूं ये सिंपल मेथड का क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें, थैंक यू।